गुड मॉर्निंग। आज मैंने डबल मास्क पहना है, बट मुझे थोड़ी सी सांस लेने में दिक्कत हो रही है जब मैं चल रही हूँ। आई रियली फील मुझे अंदर वाला मास्क निकालना पड़ेगा, ऑल्दो मेरा जो ऊपर वाला मास्क है दैट्स अ थ्री लेयर मास्क। मैं आज सवेरे सवेरे इसलिए कनेक्ट हो रही हूँ आप लोगों से कि लोगों में बहुत डर है। मुझे कल रात को एक कॉल आया लेट नाइट, एंड मुझे उसके बाद लगा कि लोग बहुत डर गए। डरना भी चाहिए इस तरह के जो न्यूज़ आ रहे हैं अपने सोसाइटी से, अपने आस पड़ोस के जगहों से। दिस एक्चुअली मुश्किल है, इट्स अ टफ टाइम, बट डर के क्या करेंगे, कुछ भी नहीं, राइट? डरने से क्या होता है ना, हमारा इम्यूनिटी भी लो चला जाता है, जो हॉर्मोन्स हमारे बॉडी में, डरना एक रिएक्शन है और हर कुछ के लिए हमारे बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं। तो जब आप डरते हैं, बहुत लेमेंट टर्म में बोल रही हूँ, जब आप स्ट्रेस लेते हैं तो आपकी बॉडी में जो चेंजेस होते हैं वो फर्दर आपके इम्यूनिटी को डाउन करते हैं। सो कोशिश करना है जितना भी हो सके पॉजिटिव रहना है, न्यूज़ से दूर रहना। मैं बार बार बोल रही हूँ, स्टे अवे फ्रॉम सोशल मीडिया, स्टे अवे फ्रॉम सच न्यूज़, क्योंकि यू कांट स्टॉप, यू कांट चेंज एनीथिंग, इट्स नॉट इन अ हैंड, राइट? तो जस्ट स्टे अवे, जो हो रहा है होने दीजिए। क्या फ़ायदा अपडेट लेके, आप कुछ कर सकते हैं? आप जो कर सकते हैं वो बिना न्यूज़ पढ़े हुए, बिना न्यूज़ देखे हुए भी कर सकते हैं, जो आपकी ज़िम्मेदारी है, राइट? सो डरिए मत। अगर कुछ बुरा हो रहा है तो एक अच्छी बात भी है कि वैक्सीनेशन ड्राइव बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगा आपके फर्स्ट में। कुछ मेडिसिन आ रहे हैं जिनको सेफ माना जा रहा है, जो ट्रायल में है। उम्मीद रखिए, विश्वास रखिए। और एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बहुत सारे लोग हैं मेरे आस पड़ोस में या फिर मेरे नोन लोगों में ही एक मास है जो घर पे ही ठीक भी हो रहा है ना? तो मगर एक चीज़ मैं बोलूँगी कि लोग बहुत लेट कर देते हैं, मतलब शुरू के 2-3 दिन तो लोग इग्नोर कर देते हैं, अरे मुझे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, एंड देन दे स्टार्ट द ट्रीटमेंट, एंड देट टू दे स्टार्ट ओन ट्रीटमेंट। ठीक है, आप अपना खुद भी करो तो गाइडलाइंस हर जगह हैं, आप उस गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए करो, मगर सिम्टम्स को इग्नोर मत करो। शुरुआत के जो 2-3 दिन होते हैं ना, दैट्स वेरी क्रूशियल। अगर आपने तब से ही शुरू कर दिया तो शायद आगे का रास्ता आसान होगा। तो डरने से अच्छा है अलर्ट रहो, जैसे ही कोई सिम्टम्स आता है आपको प्लीज़ इलाज शुरू कर देना है। आजकल सारे डॉक्टर्स ऑनलाइन कंसल्ट दे रहे हैं, एडवाइसरी जारी हो चुकी है, इवन मेडिसिन के नाम प्रिस्क्रिप्शन यूनिवर्सली अवेलेबल है। सो कैन गो फॉर दैट, ओके? सो डरने से अच्छा है दिमाग लगाओ, अलर्ट रहो, एंड स्टार्ट द ट्रीटमेंट एज सून एज पॉसिबल। मगर हाँ, घरेलू नुस्खे नहीं, घरेलू नुस्खों को बचाव के लिए रखो, लेकिन जब एक बार सिम्टम आ जाता है तो यू हैव टू स्टार्ट द ट्रीटमेंट। थैंक यू सो मच। टेम्पल है, मैं वहाँ जाऊँगी, पहले बाहर से प्रणाम करूँगी। सो आप लोग भी प्रेयर करें, पॉजिटिव रहें और अलर्ट रहें, खुश रहें, कुछ भी ऐसा करें जिससे आपको दूसरों को खुशी मिले। इंडोर रहें। थैंक यू सो मच, बाय।